राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि तो मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि कंस कहता है प्राप्ति से, अभी तक अगासुर का कोई समाचार क्यों नहीं आया? और फिर अस्थि कहती है, धैर्य रखिए महाराज, शुभ समाचार अवश्य ही प्राप्त होगा, कदाचित आपके कहे अनुसार। अगासुर उस कृष्ण का वध करने के लिए उचित समय की प्रतीक्षा कर रहा होगा। और फिर कंस कहता, और कितनी प्रतीक्षा करूं मैं? और फिर तभी सेनापति क्रूर आ जाता है और कहता है, महाराज एक शुभ समाचार है, जिस समय की आपको प्रतीक्षा थी वो समय आ गया है महाराज। अभी अभी हमारे दो सैनिकों ने वृंदावन से एक समाचार भिजवाया है महाराज। और फिर कंस कहता है, क्या समाचार है? और फिर क्रूर बताता है, बलराम ने सभी गांव वालों को एकत्र किया है किसी विशेष सूचना की घोषणा करने के लिए। और बलराम ने घोषणा की होती है, मेरे प्रिय गाँव वासियों, आप सभी से ये प्रार्थना है कि आप सभी हमारे परिवार वालों के साथ गांव के बाहर वाले विष्णु मंदिर चलिए। और फिर तभी गांववासी कहते हैं, विष्णु मंदिर परंतु क्यों बलराम? और फिर दाऊ कहते हैं, वो बात ऐसी है काका की, कल रात्रि काना ने एक स्वप्न देखा और उस स्वप्न में उसने देखा कि यदि हम सब दर्शन के लिए उस मंदिर नहीं गए तो नारायण हम सभी से रुष्ट हो सकते हैं। और फिर गांववासी कहते हैं, यदि ऐसी बात है तो हम सब अवश्य चलेंगे तुम्हारे साथ। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि सेनापति क्रूर कहता है, महाराज कंस से कहा, हमारे सैनिक किसी भी क्षण वो शुभ समाचार लेकर अगासुर के पास पहुंचते ही होंगे। और फिर तभी कंस स्मरण कर रहा होता है, कितना मूर्ख है मेरा भांजा कृष्ण, अपनी मृत्यु के मुख में जा रहा है, अगासुर उसे जीवित ही निगल जाएगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि सभी गांववासी वृंदावन के बाहर नारायण के मंदिर के लिए जा रहे होते हैं और कहती हैं, सोदा मैया काना, आज ही आना आवश्यक था क्या? और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, अब क्या करें मैया, आपके कान्हा ने स्वप्न में तो कल ही रात्रि में देखा है, तो अब मंदिर तो आज ही जाना होगा। और फिर कृष्ण कहते हैं, हाँ हाँ मैया, उस प्रश्न के अनुसार मेरे अंतर मन ने कहा कि मंदिर हम सबको पुकार रहा है, तभी तो मैं आप सबको अपने साथ लेकर चल रहा हूँ, अन्यथा मैं सभी को इतना कष्ट क्यों दे रहा हूँ? कोई तो कारण होगा ना उसके पीछे। और तभी बलराम दास सोचते हैं कि मंदिर ने पुकारा है अथवा अगासुर ने, ये तो शीघ्र ही सबको ज्ञात हो जाएगा। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, चलिए चलिए शीघ्र आइए। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि अगासुर कहता है, आओ कृष्ण आओ, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि अस्थि स्मरण कर रही होती अगासुर और श्री कृष्ण का, अस्थि स्मरण कर रही होती अगासुर और श्री कृष्ण वृंदावन वासियों के ऊपर से टल गया होगा कि नहीं प्रभु। और फिर कंस कहता है, अस्थि किन विचारों ने घेर रखा है तुम्हें? और फिर अस्थि कहती, नहीं नहीं, मैं तो केवल ये विचार कर रही हूँ, भोजन में कोई त्रुटि तो नहीं। और तभी कंस अत्यंत प्रसन्न हो रहा होता है और कहता, अस्थि आज मुझे अपने भोजन की नहीं अपितु किसी और के भोजन की अधिक चिंता है। और फिर अस्थि कहती है, क्षमा कीजिए महाराज, किंतु मैं कुछ समझी नहीं। और फिर कंस बताता है, आज अगासुर उस कृष्ण और उसके प्रिय गांव वालों को अपना भोजन बनाने वाला है। और तभी सेनापति क्रूर आ जाता है और कहता है, महाराज की जय हो। और फिर कंस कहता है, अभी अभी मैं अगासुर की बात कर रहा था और तुम शुभ समाचार लेकर आ गए। और फिर क्रूर बताता है, कृष्ण सभी वृंदावन वासियों के साथ विष्णु मंदिर के लिए प्रस्थान कर चुका है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि कंस कहता है, कृष्ण
इस बार मैं भी देखता हूँ तुम कैसे बचते हो। और फिर कंस कहता है क्रूर मुझे हर क्षण का समाचार चाहिए। और कहता है आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हाँ जिसने भी मुझे अशुभ समाचार सुनाया तो मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। और फिर सेनापति क्रूर कहता है जी महाराज जैसी आपकी आज्ञा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि सभी वृंदावन के बाहर विष्णु मंदिर जा रहे होते हैं। और फिर सुधा मैया कहती हैं बस बस अब और चला नहीं जाएगा आगे। और फिर नंद जी कहते हैं सुधा बस थोड़ा सा ही मार्ग शेष रह गया है चलो। और फिर सुधा मैया कहती हैं तो आप कब से कह रहे हैं आ रहे हैं। और फिर कृतिदा कहती हैं हाँ जी आज तो ये मंदिर अधिक ही दूर लग रहा है। और आगासुर कहता है आओ कृष्ण आओ स्वागत है तुम्हारा। बस कुछ क्षणों की बात और है उसके पश्चात तुम्हें खाकर मैं अपनी भूख भी मिटाऊंगा और अपना प्रतिशोध भी लूंगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण कहते हैं तुम्हारी आतुरता का आभास मुझे है आगासुर किंतु तुम्हारे हृदय में जो मेरे लिए विष भरा है उसे मिटाकर उसमें प्रेम की सरिता भरने का प्रयास मैं अवश्य करूंगा। और कहते हैं देखो इसी कारण मैं स्वयं चलकर तुम्हारे पास आ रहा हूँ। सभी व्यक्तियों को तुम्हारे पास लेकर आ रहा हूँ जो मुझसे प्रेम करते हैं। और कहते हैं आगे क्योंकि प्रतिशोध के इस विष को प्रेम का पावन आभास ही इसे समाप्त कर सकता है। कृष्ण कहते हैं आप सब अब भी वही हैं। नारायण को इतनी प्रतीक्षा कराना अच्छी बात नहीं है शीघ्र ही चलिए। और फिर कृष्ण कहते हैं आइए आइए। और फिर तभी राधा कृष्ण को रोकती हैं तनिक ठहरो कृष्ण और बताओ मुझे कि ये सब क्या चल रहा है। और फिर कृष्ण कहते हैं पर्वत पर चढ़ाई हो रही है और क्या हो रहा है। और फिर कहते हैं कृष्ण चलो अच्छी बात है तुमने तो अपनी गति बढ़ाई और अब देखो आलस से हम चूर चूर हो गए हैं। अब अन्य को देख कर उन्हें भी ऊर्जा आएगी। और फिर तभी राधा कहती है कृष्ण से इतने थके हुए हैं कृष्ण कोई गति नहीं बढ़ाएगा मैं भी नहीं। और बताती हैं राधा इन्हें विश्राम की आवश्यकता है। और फिर कृष्ण कहते हैं ऐसे दो दो कदम पे विश्राम करने लगे तो मंदिर कब पहुँचेंगे। और फिर तभी राधा कहती हैं कुछ मत करो। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।